सुप्रभात। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, पंचमहापाठ पंडिता रामाबाई। अब यह पाठ प्रारंभ करते हैं, पहले वाचन करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रामाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। और यदि अगर संस्कृत में इनको बोलना होता है तो सबसे पहले हम अंतिम वाले को बोलते हैं अष्ट पंचाशत अष्टादश शतम। तो सबसे पहले अंतिम वाली संख्या को बोलते हैं, फिर उसके बाद जो उसके मतलब दहाई में होती है उसको बोलते हैं, फिर आगे की संख्याओं का उच्चारण हम करते हैं, इस तरह से संस्कृत में बोलते हैं। तो ख्रीष्टाब्दे जन्म अर्हत, तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो यहां अर्थ देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रामाबाई 1800 स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगणी आगे सबसे पहले गिनी जाने वाली पंडिता रामाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। अर्थात 1858 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रामाबाई का जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः षष्ठी एक वचन, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। अर्थात उनके रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए षष्ठी बहुवचन, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलित नहीं था। परंतु डोंगरे अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध अर्थात जो पहले से चली आ रही है इस प्रकार की धारणा को कि औरतों को स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़ना है, ऐसी धारणा को छोड़कर, ऐसे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य छोड़कर, ऐसी धारणा को छोड़कर स्वपत्नी अपने पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतदर्थं इसके लिए वह समाजस्य समाज की प्रताड़ना, समाज के द्वारा पीड़ित किए गए, प्रताड़नाम अपि उसकी प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम इसके पश्चात रमा अपि रमाबाई भी स्वमातु अपने माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे स कोलकातां प्राप्ता संस्कृत वैदुष्येण तत् पंडिताः
सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता कालक्रमेण विभूषिता तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। कालक्रमेण समय के अनुसार काल के क्रम में रमायाः रमा के पिता विपन्नः संजातः विपन्न हो गए, गरीब हो गए, अर्थात गरीबी अवस्था को प्राप्त हुए। तस्याः पितरौ उनके पिता ज्येष्ठा भगिनी उनके तस्याः पितरौ इनके माता पिता और ज्येष्ठा ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता दुर्भिक्ष में अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता स्वर्गवासी हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता रमा अपने स्वने अपने ज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्र भारतम अभ्रमत समग्र भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे भ्रमण के क्रम में अर्थात घूमने की स्थिति में भ्रमण काल में क्रम में समय वह कोलकाता प्राप्त वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्य संस्कृत में विदुषी होने के कारण तम तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता वहाँ पंडिता सरस्वती सरस्वती इति उपाधिभ्यां इस उपाधि से विभूषित हुई। संस्कृत में विद्वता के कारण पंडिता रमाबाई सरस्वती इति उपाधि से विभूषित की गई। तत्रैव वही तत्र एव तत्रैव सा वह ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से प्रभाविता प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत् वेदाध्ययन किया। पश्चात उसके बाद स वह स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद वेदादीनां शास्त्राणां वेद और शास्त्रों को की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। आज यही तक, बाकी आगे एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्नोत्तर जो पाठ पढ़ा चुके हैं इनको उनको किस तरह से हमें करना है, उत्तर पुस्तिका में कौन कौन से करने हैं और कौन से पुस्तक में तो सारे करने हैं उत्तर और उत्तर पुस्तिका में भी करने हैं। तो सबसे पहले पाठ एक का शब्दार्थ है गृह कार्य में यह दिया जा चुका है पहले से कि उत्तर पुस्तिका में करना है। ये जो अंग्रेजी वाले शब्द हैं इनको हमें नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर एक सर्वान श्लोकान सस्वर इसको याद करना है। दूसरा है यहाँ पर ये श्लोकांश दिए हुए हैं इनको मिलाना है तो इनको मिला देना है। यह हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर तीन। तो प्रश्न नंबर तीन है एक पद हेतु उत्तर एक पद में उत्तर देना है पृथ्वीभ्याम कति रत्नानि पृथ्वी पर कितने रत्न है तो उत्तर हुआ एक पद में देना है इसलिए यहाँ पर हो गया त्रीणि। श्लोक में भी तुम्हारे दिए हुए हैं मुदय पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते तो यहाँ पर हो गया पाषाण खंडेश पत्थर के टुकड़ों को पृथ्वी के धारे थे सत्तेर हो गया कई है संगत ही पूर्वी किसकी संगत करनी चाहिए तो सदवी सज्जनों की लोके वसीकृति का क्षमा ये हो गया इनके एक पद उत्तर। प्रश्न नंबर दो प्रश्न नंबर चार हो गया यहाँ पर रेखांकित पदान अधिकृत प्रश्न निर्माण पूर्वक तो यहाँ सत्येन है यहाँ पर होगा केन तृतीय एक वचन सदभी है यहाँ पर हो जाएगा कई है ये रेखांकित पद जो है इनके सामने इसके स्थान पर इसको लिखेंगे और आगे ये पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक लगा करके लिखेंगे। विद्यायाः तो यहाँ पर हो जाएगा कस्याः यहाँ वसुंधरा है वसुंधरा बहुरत्ना भवति तो वसुंधरा की जगह पर का लिखना है और विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवे यहाँ पर विद्यायाः की जगह पर कस्याः हो जाएगा। आगे प्रश्नवाचक लगाएंगे सद्भिः मैत्रीं तो किं कुर्वीत प्रश्नवाचक लगा देंगे। और फिर प्रश्न नंबर पाँच
प्रश्नान प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो पहला प्रश्न है कोत्र विस्मयाना कर्तव्य, तो यहाँ पर हो गया पूरा, ये इसका उत्तर दिया हुआ है। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्य, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है पृथिव्याम त्रीण रत्नानि कान, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन से हैं। तो पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम, ये उत्तर हुआ। फिर से ग है तैतरज्जा पुत्र सुखी भवेत, धन धान प्रयोगे से विद्याया संग्रहेश च आहारे व्यवहारे च तैतरज्जा सुखी भवेत, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये प्रश्न नंबर अब यहाँ पर छ है, इसका उत्तर यहाँ पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में ये लिखे हैं, ये पुस्तक कार्य करना है। प्रश्न नंबर सात है, ये करोति है, क्रि धातु है, पस्य है, तो यहाँ पर दृष्ट धातु है, इनको धातु लिखना है। भवेत भू धातु है, तिष्ठति अस्था लिखना है। इसी के साथ ये प्रश्न नंबर तीन चार और ये पाँच, इनको उत्तर पुस्तिका में करना है। शब्दार्थ प्रश्न नंबर तीन चार और पाँच ये उत्तर पुस्तिका में करना है, बाकी पुस्तक में करना है। तो ये हो गए ये पार्ट एक के, पार्ट दो इसका पहले से भी भेजा जा चुका है। पार्ट दो का होमवर्क भेजा जा चुका है। पार्ट तीन है, पार्ट तीन में यहाँ पर शब्दार्थ हो गए इसके, सबसे पहले शब्दार्थ गृह कार्य में दिए जा चुके हैं। शब्दार्थ के साथ फिर प्रश्न नंबर एक उच्चारण है, प्रश्न नंबर दो है इनके उत्तर। तो कस्य भवने सर्वविधानि सुखानि सुख साधनानि आसन, तो कस्य यहाँ पर कस्य की जगह पर लिखना है श्रीकंठस्य, श्रीकंठ श्रीकंठस्य लिखना है। ये तुम्हारे इसके यहाँ पर ये लिखा भी है, हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पहला उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुखानि सुख साधनानि आसन। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे तो इस तरह से दूसरे प्रश्न में है कस्य गृहे वो भी वृत्तः नास्ति, किसके घर में कोई नौकर नहीं था, तो यहाँ है कृष्ण मूर्ते है गृहे वो भी वृत्तः नास्ति। फिर से अगला है प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन श्रीकंठ से आतिथ्यम किए अकुर्वन, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया, तो कृष्ण मूर्ति है, ये हो गया श्रीकंठ से आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन, ये तीसरे का उत्तर हो गया। चौथे का है सर्वदा पुत्र सुखम स्वावलंबने सर्वदा सुखम, स्वावलंबन में हमेशा सुख है। फिर है पांचवा प्रश्न श्रीकंठा कृष्णमूर्ते है गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आए, श्रीकंठा कृष्णमूर्ते है गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गए, तो यहाँ पर आ गया श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहम नववादने अगच्छत, कृष्णमूर्ते है कति कर्मकरा सन्ति, कृष्णमूर्ति के पास कति कर्मकरा है, कितने कर्मकर हैं अर्थात नौकर हैं, तो कृष्णमूर्ते है अष्टौ कर्मकरा सन्ति, आठ कर्मकर हैं। अब यहाँ पर ये इनको बता चुके हैं पहले भी कि किस तरह से है, ये प्रश्न नंबर चार है, इसमें भी ये संख्या लिखी हुई है और इनका इनके सामने शब्दों में लिखना है संस्कृत शब्दों में। और यहाँ पर ये प्रश्न नंबर पाँच है, ये दिए हुए हैं, इनको पहले भी बता चुके हैं, और ये इस तरह से ये वाक्य बनाने हैं, इनमें से इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, तीन वाक्य लिख रहे हैं। तो इसमें से एक दो तीन चार तक एक हो गया, फिर चार से फिर पाँच से आठ हो गया और फिर नौ से बारह। अब ये प्रश्न नंबर छह है, तो ये समय वाचकान अंकार पदेश लिखत, यहाँ पर शब्द
अधोलिखित समयवाचकांक, समयवाचक अंकों को पदों में लिखना है, संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं, इनको लिखना है। बाकी आगे यहाँ ये भरने के लिए है, इसमें ये शब्द भरे हुए हैं। ये इस तरह से हो गया। अब उत्तर पुस्तिका में इनको करना है। शब्दार्थ हो गया, प्रश्न नंबर दो हो गया, प्रश्न नंबर चार हुआ, प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर चार, और आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर छह। ये उत्तर पुस्तिका में करने हैं, जिनमें निशान लगा हुआ है इनको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे है पाठ चार, पाठ चार। तो पाठ चार में ये प्रश्न नंबर ये है, यहाँ पर भरने के लिए दिया हुआ है। ये बता रहा है अभी था शायद पहले दिन, उस दिन पढ़ाते समय। तो यहाँ प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर चार और प्रश्न नंबर पाँच, प्रश्न नंबर दो, चार, पाँच, और आगे है यहाँ प्रश्न नंबर सात। तो ये इन जो निशान लगे हुए हैं इनको उत्तर पुस्तिका में करना है, बाकी सबको पुस्तक में लिखना है। ये सारे के सारे पुस्तक कार्य हैं, बाकी निशान वाले जो हैं एक दो, एक दो तीन और एक प्रश्न नंबर सात, ये उत्तर पुस्तिका में करना है। तो इस तरह से ये हो गए, आज इसको पढ़ाया है। आगे अब इसका अगला भाग कल पढ़ाएंगे, आज यही तक।